हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कविता की बुनाई में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए सिंगल कलर में बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो ये स्वेटर का डिज़ाइन आप लोग ऑल प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्वेटर का डिज़ाइन जो है हमारा, तो एक एक फंदे के उसमें आप मतलब आपको मल्टीपल के उसमें आपको फंदे की ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे एक एक आपके पास जितने भी फंदे हो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई है सीधी साइड से। तो यहाँ पर सीधी साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे सीधी साइड से। पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई सीधी साइड से, पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर, फर्स्ट रो राइट साइड। अब दूसरी सिलाई हमारी उल्टे तरफ से, सेकेंड रो रॉन्ग साइड। तो यहाँ पर भी पूरे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो आपके पास जितने भी फंदे हो पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे दूसरी सिलाई उल्टे साइड से। तो ये दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये दो सिलाई आपको सिंपल बुनाई करनी है, उल्टे तरफ से भी उल्टा उल्टा और सीधे तरफ से भी एक सिलाई उल्टा, ये देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ सीधी साइड से हमारा डिज़ाइन बनना है। पहला फंदा हमने उतारा, अब यहाँ पर डिज़ाइन बनना है हमारा। अब क्या करना है, ये दो फंदों के बीच से हमने इस तरह से, जैसे ये दो, जैसे एक फंदा आपने उतारा, ये दो फंदों के बीच से इस तरह से आपने सिलाई लगाकर एक फंदा बना दिया। फिर दूसरा, ये जो सामने वाला फंदा है इसको इस तरह से बनाना है, इस तरह से थोड़ा लूज़ रखना है, ठीक है। फंदा जो आप लूफ निकाल रहे हो उसको लूज़ रखना है, जैसे ये दो फंदों के पीछे से इस तरह से लूफ निकाला, चाहे एक्स्ट्रा फंदा बनाया, ठीक है। इस तरह से इसको थोड़ा लूज़ रखेंगे, फिर सामने का फंदा को इस तरह से बनाएंगे। पूरे फंदे इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। दो फंदों के बीच से एक्स्ट्रा फंदा बना दिया, फिर फंदे का बुनाई किया इस तरह से, ये देखिए, ये दो फंदों के बीच से एक्स्ट्रा फंदा बना दिया, फिर फंदे को बनाया। पूरे फंदे हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, थर्ड रो राइट साइड। तीसरी सिलाई हमारी सीधी तरफ। पूरे फंदे हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आपके पास जितने भी फंदे हो पूरे फंदे तीसरी सिलाई सीधी साइड से कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी पहली सिलाई सीधी साइड से कंप्लीट हो गई, ये देखिए, एक्स्ट्रा फंदा बनाते हुए, फंदे की बुनाई करते हुए। लास्ट में एक स्टिच सीधा, ये देखिए, कुछ इस तरह से लुक आएगा हमारा, ठीक है, डिज़ाइन का। दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से। तो ये जो पहला फंदा, ये हमारा स्टिच है, इसको उतारेंगे। अब हमने क्या करना है, जो हमारा एक्स्ट्रा फंदा और ये फंदा है जो हमने बुनाई करा, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा फंदा, चाहे लूफ बोले आप, तो ये दो फंदों को दो का एक करते हुए जाना है पूरी सिलाई दूसरे तरफ से, उल्टे तरफ से, ठीक है, रॉन्ग साइड में हमने दो का एक करते हुए जाना है पूरे फंदे को, सेकेंड रो रॉन्ग साइड, ये देखिए।
ये और ये फंदे को दो का एक किया इस तरह से, जो हमने एक्स्ट्रा फंदा बनाया और जो फंदे की बुनाई करी थी इन दो फंदों को। ये अपने आप ये देखिए दो इस तरह से आ जाएंगे अपने आप दो करते हुए, तो इनको एक करते हुए कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है, तो अगर इस डिज़ाइन को बिगनर्स भी ट्राई करना चाहते तो बड़े इजीली ही ये डिज़ाइन को बना सकते हैं बिगनर्स भी। तो ये डिज़ाइन आप लोग अपने बच्चों के लिए, जैसे जेंट्स के हाफ कोटी में, स्वेटर में, लॉन्ग कार्डिगन में, जैकेट में, मफलर में, स्कार्फ में, कहीं पर भी ये आप डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से दूसरी सिलाई आप हर बार ये दो फंदों को एक करते हुए कंप्लीट करेंगे इस तरह से। दूसरी सिलाई हमारी रॉन्ग साइड से, तो ये हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई उल्टे तरफ से। ये देखिए यही दो सिलाइयाँ आपको बार बार रिपीट करनी है और आपका डिज़ाइन पैटर्न बनते हुए आएगा। तो और एक बार मैं आपको ज़रूर रिपीट करके बताऊंगी, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको समझ नहीं आया होगा। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन का लुक बहुत ही प्यारा सा है। तो यही दो सिलाई मैं आपको फिर से रिपीट करूँगी। तो ये देखिए फिर से डिज़ाइन की है। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे दो सिलाई हमारे डिज़ाइन के कंप्लीट हो गए, तो यही दो सिलाई मैं आपको रिपीट करके बताऊँगी यहाँ से आगे आपने कैसा बनाना है। फिर से पहला फंदा उतारा, फिर से ये दो फंदों के बीच से एक्स्ट्रा फंदा बनाया, फिर फंदे का बुनाई किया, हर बार एक्स्ट्रा फंदा बनाया, फिर एक फंदे का बुनाई किया इस तरह से। पूरे फंदे फिर से आप कंप्लीट करेंगे पहली सिलाई है सीधी साइड से, आप सेम यही रिपीट करके अपने फंदे कंप्लीट करेंगे। यही दो सिलाइयाँ रिपीट करेंगे सिर्फ और सिर्फ। ये हमारा दो सिलाई का बुनाई डिज़ाइन है, बहुत ही आसान डिज़ाइन है। तो जो बनाते हैं उनको तो समझ आया होगा, अगर बिगनर्स ट्राई कर रहे हैं तो उनके लिए दोबारा से मैं आपको रिपीट करके बता रही हूँ, तो बिगनर्स भी ध्यान से देखें इस डिज़ाइन को। तो बड़े इजीली ये डिज़ाइन आप बिगनर्स बना सकते हैं। ये देखिए पहली सिलाई फिर से सीधी साइड से सेम वही रिपीट कर रही हूँ इस तरह से, दो फंदों के बीच से एक्स्ट्रा फंदा बना दिया, एक फंदे का बुनाई किया, एक्स्ट्रा फंदे का बुनाई या फंदा निकाला, सामने वाले फंदे का बुनाई किया। तो पूरे फंदे इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। लूफ को ज़्यादा ढीला भी ना रखें, ज़्यादा टाइट भी ना रखें। इस तरह से यही दो सिलाइयाँ फिर से मैं बता रही हूँ आपको बार बार रिपीट करनी है आपको, और हमारा डिज़ाइन पैटर्न बनते हुए आएगा। तो ये हमारी डिज़ाइन की फिर से पहली सिलाई सीधी साइड से हो गई कंप्लीट। तो जैसे यहाँ पर सामने शुरू में ये जो दो सिलाई मैंने सिंपल बुनाई करा उल्टी तरफ से उल्टा और सीधे तरफ से भी उल्टा, तो ये आपकी इच्छा है, आप करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पे तो ये फिर से हमारी पहली सिलाई कम हो गई, सॉरी कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, तो सेम वही दो फंदों का एक करते हुए जाना है इस तरह से। एस स्टिच आपने उतारना है, आपको जितने मर्जी फंदे चाहिए आपने रखने हैं, तो इसमें कोई फंदे मल्टीपल आपको नहीं लेने हैं। तो जितने आपको फंदे चाहिए एक एक के हिसाब से उतने आपको रखने हैं। दूसरी सिलाई हर बार आपका इसी तरह से बनेगा, दो फंदे का एक करते हुए कंप्लीट हो जाएगा। बिगनर्स हो तो आप ज़रूर इस डिज़ाइन को ट्राई करें, बहुत ही आसान डिज़ाइन है। बच्चों के स्वेटर में, जेंट्स के स्वेटर में सेम यही कलर बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो आप जैसा मर्जी कलर धागे से भी बना सकते हैं। तो कई धागे ऐसे होते हैं किसी में डिज़ाइन खिलते हैं और किसी में नहीं खिलते हैं, बस इतना सा फ़र्क है।
ये हो गई हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनकर आएगा, ठीक है। ये देखिए, तो अगर इस तरह से आप लोगों को मेरी डिज़ाइन वाली वीडियो अच्छी लगती है, समझ आती है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू।